गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन फॉर टूडेज लेक्चर. दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 20, लेक्चर नंबर 1 ऑफ योर बुक पी सी रैंस. एंड दिस वी हैव बीन कवरिंग फॉर टर्म 3. टॉपिक इज कंजंक्शंस, कंजंक्शन एक्सप्लेनेशन. सो आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन. That is lesson number 20, and day for yesterday, I uploaded chapter number 19 lecture. Okay, today I am taking conjunction, that is chapter number 20 of your essence book. It is given page number 94. Okay, so let's start. First of all, we should know the contents of the lesson. Sorry, lecture. So, contents of today's lecture, explanation of conjunction means I am going to explain its definition first of all. Okay. First of all, I will tell you definition. Then, types of conjunction. Conjunction kitne types hote hain. We will discuss previous homework solution. And last, you will get your homework. Previous homework solution of what? Previous homework solution of prepositions. Okay. I assigned you to do exercise number 2. So, this we will explain today in today's lecture. So, let's start with book. This is the lesson conjunctions. Conjunctions means joining words. J-O-I-N-I-N-G. Joining words. We call them also not conjunctions but connectors also. C-O-N-N-E-C-T-O-R-S. Connectors means, as you know, that if you have a train, and in train you know there is engine also, means alag alag uski engine, do ek engine hota hai uska aur piche uski trolleys hoti hain. तो हम जब ट्रॉली को कनेक्ट करते हैं, फिर इंजन को हम जब ट्रॉली से कनेक्ट करते हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई बोल्ट का यूज़ करना पड़ता है. दैट बोल्ट इज़ कनेक्टर हेयर. वो बोल्ट यहाँ पे कनेक्टर है. ऐसे ही बेटा, अगर हम यहाँ पे टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए जो कनेक्टर होगा, दैट इज कंजंक्शन और ज्वाइनिंग वर्ड्स वी कैन से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल रीड दीज सेंटेंसेस. रीड दीज सेंटेंसेस. द फोन रैंग एंड तारा आंसर्ड इट. फोन बजा और तारा ने उसका आंसर दिया. तो दैट इज एंड. डू यू डू योर वर्क और आई विल पनिश यू. या तो तुम मतलब अपना काम करो, या फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा. और ही इज फ्री नाउ सो ही इज वॉचिंग टीवी. अब वो फ्री है इसलिए वो टीवी देख रहा है. सो एंड मीन्स और मीन्स या. मीन्स इसमें टू आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, या तो काम करो या फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा. अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं पनिश करूंगा. ऑप्शन दे दिया है. ही इज फ्री ना सो ही इज वॉचिंग टीवी. वो फ्री है इसलिए वो टीवी देख रहा है. सो यहाँ पे एक रीजन मिल गया है. यहाँ सिंपल टू सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं. यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया है और यहाँ पे हमने एक रीजन दे दिया है. सो द वर्ड्स दीज वर्ड्स एंड और सो बिकॉज दो ऑल दो अनटिल अनलेस विच आर यूज टू ज्वाइन वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर आर कॉल्ड कंजंक्शंस. इनको बोलते हैं बेटा हम कंजंक्शंस. मीन्स द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन वन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन. जो एक सेंटेंस को या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में ज्वाइन करता है. जैसे कि वन ग्रुप ऑफ वर्ड वॉज द फोन रैंग एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड वॉज तारा आंसर इट. सो हेयर वी आर ज्वाइनिंग टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एंड. दैट इज कंजंक्शन. उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं. लैटिन वर्ड है कन, C-O-N, कन. दैट इज ऑफ टुगेदर. मीन्स टुगेदर मतलब एक साथ, प्लस करना. जंक्शन इज ज्वाइन करना. दैट देन इट बिकम्स कंजंक्शन. मीन्स किसी चीज को ज्वाइन करना, एक साथ में मिलाना. दैट इज कंजंक्शन. सो द डेफिनेशन इज अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कंजंक्शन क्या है? वे शब्द जो किसी भी वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट टू सेंटेंसेज ऑल्सो. टू सेंटेंसेज मतलब वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो गया. ओके, ये एक किसी फ्रेज को भी ज्वाइन करते हैं बेटा.
अब फ्रेज को, क्या आपको फ्रेज नहीं पता? फ्रेज होता है मीन्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है उसको भी ज्वाइन करते हैं, टू वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं और सेंटेंस को भी ज्वाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर वन, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अब हमें इनको अप्रोप्रिएट कंजंक्शन के साथ में फिल करना है। आपको पता है हमने वैसे ऊपर डिस्कस भी किया था, लाइक एंड और सो बिकॉज दो ऑल दो अनटिल अनलेस बिफोर आफ्टर, दीज आर ऑल्सो कंजंक्शंस। ओके लेट्स स्टार्ट। अंजू लुक्स नाइस डैश शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ। अंजू अच्छा दिखती है बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ, क्योंकि वो अपनी देखभाल खुद करती है इसलिए वो अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे हमने रीजन लिया, तो रीजन के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज। ओके अंजू लुक्स नाइस बिकॉज बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ हर सेल्फ। शी हेल्ड हर मदर डैश डिनर गॉट रेडी अर्ली। उसने अपनी मम्मी की मदद करी डैश डिनर टू गॉट रेडी अर्ली। सो यू वी कैन राइट हेयर कि उसने मम्मी की मदद करी इसलिए जो डिनर था वो जल्दी रेडी हो गया, मतलब अर्ली वो रेडी हो गया। शी हेल्प्ड हर मदर सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, इसलिए डिनर गॉट रेडी अर्ली, इसलिए जो डिनर था वो जल्दी रेडी हो गया। सो मीन्स इसलिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि। यू कैन नॉट गो फॉर द मूवी डैश यू फिनिश योर वर्क। तुम मूवी के लिए नहीं, अब इसमें बेटा आपको कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है? कि तुम तब तक मूवी, तुम मूवी के लिए नहीं जा सकते जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं कर लेते। तो आपको इसमें एक नेक्स्ट सेंटेंस में एक कंडीशन दे दी आपको कि तुम मूवी के लिए तभी ही जाओगे जब तुम काम कंप्लीट कर लोगे। तो इसमें दे रखा है यू कैन, तुम मूवी के लिए नहीं जा सकते जब तक तुम अपना काम, जब तक के लिए हम यूज करते हैं अनटिल, यू एंड TIL until you finish your work. Jay was angry dash he controlled his temper. Jay angry था लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, एक चीज है बैड हैबिट और एक चीज है गुड हैबिट। सो बेटा एक चीज इसमें अच्छी क्या है, मतलब अच्छी ये है कि उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, और बुरी क्या है कि वो जय एंग्री था। तो जब आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सिचुएशन मिलती है तो वहां पे आप यूज करते हो बट। वो मैंने आपको, अगर आप क्लास थर्ड में थे तो मैंने आपको बताया भी था, व्हेन यू वर इन क्लास थ्री आई टोल्ड यू कि अगर एक चीज नेगेटिव और एक चीज पॉजिटिव हो तो आप में बट का यूज करते हैं। सो जय गॉट एंग्री, जय गुस्सा हुआ लेकिन बट ही कंट्रोल्ड हिज टेम्पर, लेकिन उसने अपना जो गुस्सा था उसको रोक लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर वन, यू विल नॉट डू वेल डैश योर प्रैक्टिस हार्ड। कि यू विल नॉट डू वेल, तुम अच्छा नहीं करोगे जब तक तुम अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, अनटिल ऑल्सो वी आर यूजिंग फॉर कंडीशन एंड हेयर यू कैन यूज अनलेस, यू एन ई एल ई डबल एस अनलेस। अनलेस का मतलब अनटिल का मतलब सेम ही होता है, बस सेंटेंस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या है कि यहाँ पे दे रखा था कि हम मूवी के लिए जा सकते जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं करते, और यहाँ पे दे रखा है यू विल नॉट डू वेल अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड, कि तुम जब तक अच्छा नहीं कर सकते तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक तुम मतलब हार्ड वर्क ना करो, प्रैक्टिस ना करो। तो दोनों में सेम ही है, अनटिल अनलेस को हम एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ओके, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज नंबर टू, ज्वाइन द सेंटेंसेज यूजिंग कंजंक्शन। अगेन वी आर गोइंग टू यूज कंजंक्शन हियर। जैरन लव्स टू प्ले क्रिकेट डैश ही मीन्स फुल स्टॉप ही डजेंट लाइक टू फील्ड। जैरन को क्रिकेट खेलना पसंद है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो वट विल यू राइट हियर? तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करोगे इसको बट से, बट जैरन लव्स टू प्ले क्रिकेट बट ही डजेंट लाइक टू फील्ड। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस, तो आप बट से ज्वाइन करोगे इसको कि जैरन को प्ले क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन बट ही डजेंट लाइक टू फील्ड, लेकिन उनको फील्डिंग करना पसंद नहीं है। द काउ इज ब्राउन द काल्फ इज वाइट। कि जो काउ है वो ब्राउन है लेकिन जो काल्फ है वो वाइट है। हेयर ऑल्सो वी विल यूज, हम दो के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप बट यूज करोगे कि जो काउ है वो ब्राउन है लेकिन जो काल्फ है वो वाइट है, जो काफ है वो वाइट है, उसका बच्चा जो है वो वाइट है। जैक
बॉट आ लॉक, जैक बॉट आ लैम्प। अब यहाँ पे देखो, जब टू सेंटेंसेस एक जैसे होते हैं तो हम उसको एंड से ज्वाइन करते हैं। तो हाउ विल यू ज्वाइन इट? जैक बॉट आ लॉक एंड आ लैम्प। तो यहाँ पे आप दोबारा जैक और बॉट को रिपीट नहीं करोगे। यू विल राइट जैक बॉट आ लॉक एंड आ लैम्प। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। आप समझ रहे हो इसको। ऑल द प्लांट्स डाइड डैश इट डिडंट रेन। कि सारे प्लांट्स मर गए, बरसात नहीं हुई। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? ऑल द प्लांट्स डाइड एज इट डिडंट रेन। जैसे कि बरसात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सारे जो प्लांट्स थे वो मर गए। ठीक है, सारे प्लांट्स मर गए क्योंकि, या फिर जैसे कि बरसात नहीं हुई थी, एज इट डिडंट रेन, जैसे बरसात नहीं हुई उसकी वजह से सारे प्लांट्स मर गए। शी वेंट टू प्ले, हर मदर हैड आस्क्ड हर टू टाइडी हर रूम। वो खेलने चली गई, उसकी मम्मी ने उसको क्या करा था, रूम को साफ करने के लिए बोला था। ठीक है, शी वेंट टू प्ले, दो हर मदर आस्क्ड हर टू टाइडी हर रूम। हालांकि उसकी मम्मी ने उसको घर में साफ करने के लिए बोला था, लेकिन वो खेलने के लिए चली गई। ठीक है, वी विल राइट हियर दो, ऑल दो, THOUGH, दो, दो इज हालांकि। ठीक है, तो शी वेंट टू प्ले, दो हर मदर, वो खेलने चली गई, जैसे कि उसकी मम्मी ने क्या करा था उसको, हालांकि उसकी मम्मी ने क्या बोला था उसको, घर साफ करने के लिए बोला था, लेकिन उसने नहीं मानी और वो खेलने के लिए चली गई। शी वॉज इल, शी वेंट आउट इन द रेन। शी वॉज, दो शी वॉज इल, येट शी वेंट आउट इन द रेन। हालांकि उसको बुखार था, लेकिन वो फिर भी बारिश में चली गई। तो यहाँ पे लिखोगे आप दो, ये आपको भी समझ में नहीं आएंगे दो ऑल दो बेटा, क्योंकि ये आपको थोड़े टफ दे रखे हैं। मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, दो शी वॉज इल, येट, यहाँ पे सॉरी शी को नहीं काटना है आपको, रिमूव नहीं करना है इसको। दो शी वॉज इल, येट शी वेंट आउट इन द रेन। जो आप दो यूज करते हैं उसके साथ हम येट यूज करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग से कर रहे हो तो। दो शी वॉज इल, येट शी वेंट आउट इन द रेन। नाउ विल स्टार्ट विथ कंजंक्शन ऑफ टाइम। अब जैसे कि हमने प्रोपोजिशन में टाइम के बारे में पढ़ा था, ऐसे हम कंजंक्शन ऑफ टाइम से पढ़ेंगे बेटा। कैसे? रीड द सेंटेंसेस बिलो। एज सून एज आई फेल्ट द ट्रेमर्स आई रैन आउट ऑफ द हाउस। कि जैसे ही मुझे भूकंप का वो फील हुआ तो मैं घर से बाहर भाग गया। जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। प्लीज आस्क परी टू कॉल मी आफ्टर शी फिनिशेस हर वर्क। कि परी को बोलना कि वो अपना काम खत्म करने के बाद मुझे कॉल करे। तो आफ्टर, एज सून एज। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर कंजंक्शन विच टेल्स व्हेन एन इवेंट अकरिंग। कि इवेंट कब हो रहा है। दीज आर कॉल कंजंक्शन ऑफ टाइम, को कंजंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बिफोर मीन्स बाद में, आफ्टर पहले, वाइल इज जबकि, व्हेनेवर मीन्स कभी भी, व्हेन कब, एज सून एज, जैसे ही, अनटिल तब तक या जब तक, आर कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ टाइम। इनको बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन ऑफ टाइम। या आप इसको क्रैम कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कंजंक्शन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पे दे रखे हैं आपको अनटिल, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, व्हेनेवर। सो वी हैव टू यूज दिस कंजंक्शन एंड फिल देम अकॉर्डिंगली। लाइक यू विल नॉट गो टू प्ले, तुम खेलने नहीं जाओगे जब तक मैं, या फिर यू विल नॉट गो टू प्ले अनटिल आई कम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, अगर आपकी मम्मी बोलती है तो। या फिर आप लिख सकते हो यू विल नॉट गो टू प्ले बिफोर 4, मतलब 4 बजे से पहले तुम खेलने नहीं जाओगे। तो बिफोर भी यूज कर सकते हो आप, अनटिल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन राइट विल नॉट गो टू प्ले बिफोर 10, मतलब, या फिर बिफोर 4, मतलब 4 बजे से पहले तुम खेलने बाहर नहीं जाओगे। बिफोर 4, मतलब 4 बजे से पहले तुम खेलने बाहर नहीं जाओगे। एलिस लेफ्ट, एलिस चली गई जैसे ही मैं वहां पहुंचा। ठीक है, या फिर एलिस चली गई जब, जिस टाइम पार्टी चल रही थी। तो बोलोगे आप यहाँ पे एलिस लेफ्ट वाइल, जबकि जो पार्टी थी वो चल रही थी, जबकि वाइल द पार्टी वॉज ऑन।
वाइल द पार्टी वॉज ऑन, कि पार्टी चल रही थी, एलिस चली गई जबकि पार्टी चल रही थी, मतलब एलिस पहले ही चली गई। द बस अराइव्ड एज सून एज वी रीच्ड, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे बस वहाँ से चली गई, सॉरी वहाँ पहुँच गई, एज सून एज वी अराइव्ड, जैसे ही हम स्टैंड पे पहुँचे, एज सून एज वी रीच, सॉरी एज सून एज वी रीच्ड, आर ई ए सी एच ई, ओके। द बस अराइव्ड एज सून एज वी रीच्ड, जैसे हम वहाँ पहुँचे बस वहाँ पे पहुँच चुकी थी, ठीक है। दैट इज एज सून एज, जैसे ही, बिफोर पहले, वेन एवर जब कभी भी, वैन मीन्स कब, अंटिल मतलब जब तक, ठीक है। लुक फॉर द बुक अंटिल यू फाइंड इट, कि तुम तब तक बुक को ढूंढो जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए, या फिर यू कैन राइट लुक फॉर द बुक वैन यू रीच देयर, कि जब तुम वहाँ पहुँचो तो वो तुम्हें अपनी बुक ढूंढनी है, तो वैन यू रीच देयर। इसमें आप अपने जो सेंटेंस है आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मैम का ही सेंटेंस फिल करो। यू वर स्लीपिंग अनटिल आई अराइव्ड, जब तक मैं वहाँ पहुँची तुम सो रहे थे, अनटिल आई अराइव्ड। यू वॉन्ट टू ईट वेन एवर यू आर हंग्री, यू वॉन्ट टू ईट वेन एवर यू आर हंग्री, मीन्स तुम्हें खाने के लिए चाहिए जब जब कभी भी तुम्हें क्या लगती है, भूख लगती है। तो दैट दीज आर द सेंटेंसेज विच आई हैव ज्वाइन यूजिंग दीज वर्ड्स विच आर गिवन इन दिस बॉक्स। आपको जरूरी नहीं है कि जो मैंने वर्ड यूज करें, जो सेंटेंस यूज करें, आपको वही सेंटेंस यूज करने हैं या फिर वही पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करने हैं। इन द प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स ऑल्सो, द वर्ड विच आई हैव यूज इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स ऑल्सो, यू कैन रिप्लेस देम विद दीज वर्ड्स विच आर गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर ओन सेंटेंस, ओके। नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट कंजंक्शन ऑफ रीजन, जहाँ पे हमें कोई रीजन देना होता है, रीजन मतलब कोई कारण बताना होता है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। लेट अस लीव अर्ली सो दैट वी रीच ऑन टाइम, कि हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि हम वापस ताकि हम वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाएँ, तो हम रीजन दे रहे हैं। द टीचर लाइक्ड हिम बिकॉज ही वॉज पोलाइट एंड वेल बिहेव, टीचर को पसंद करती हैं क्योंकि वो पोलाइट था और वेल बिहेव था, मतलब अच्छे बिहेव करता था। तो इन द अबव सेंटेंसेज द कंजंक्शन आर आंसरिंग द क्वेश्चन वाई, तो अब यहाँ पे आपको वाई के आंसर मिल रहे हैं। दीज आर कंजंक्शन ऑफ रीजन, इनको बोलते हैं रीजन, कंजंक्शन ऑफ रीजन, जो हमें रीजन देता है, कारण, वाई का आंसर देता है। द वर्ड्स बिकॉज, सो, एज, सेंस एंड फॉर आर कंजंक्शन ऑफ रीजन, ये है बेटा फॉर, बिकॉज, एज, सेंस, ये है कंजंक्शन ऑफ रीजन, इनको बोलेंगे आप, ये आपको क्रैम कर सकते हो या फिर आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज, सो, एज, सेंस एंड फॉर। Read out the sentences, exercise number 4. Read out the sentences given below in your notebook using the correct conjunction of reason. अब आपको यहाँ पे इन sentence को दोबारा लिखना है with the using of correct conjunction of reason. मतलब कि आपको because, so, since, for, as इनको use करके आपको ये sentence को दोबारा लिखना है, ठीक है। जैसे रखा है, so that it was raining heavily, I could not go for walk. कि क्योंकि बहुत हैवी बरसात हो रही थी, रेन हो रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तो इसको आप करेक्ट करके कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको क्योंकि, अगर हम स्टार्टिंग में क्योंकि लिखते हैं तो बेटा सो नहीं लिखते हैं, हम सिंस लिखते हैं। सिंस दैट इट वॉज रेनिंग हैवीली आई कुड नॉट गो आउट फॉर वॉक, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, क्योंकि बाहर रेन हो रही थी। सिंस अब दैट नहीं यूज होगा, सो दैट की जगह आप यूज करोगे सिंस, करेक्ट, ठीक है। सिंस, सिंस मतलब क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, सिंस इट वॉज रेनिंग हैवीली, क्योंकि बहुत हैवी बरसात, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बरसात हो रही थी, मैं इसलिए बाहर नहीं जा सका वॉक के लिए। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली ही डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया वह फिर भी नहीं समझा। तो इसमें आप कैसे सेंटेंस को करेक्ट करोगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। इसमें आप लिखोगे बिकॉज होगा एज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एज आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली ही डजंट एज आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली ही डजंट अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा,
ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो दो आई एक्सप्लेन प्रॉपरली येट ही डजंट अंडरस्टैंड, फिर भी वो नहीं समझा, तो आप यहाँ पे दो भी लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो ऑल दो, या फिर दो भी लिख सकते हो, हालांकि मैंने उसको अच्छे से समझाया लेकिन वो फिर भी नहीं समझ सका। ठीक है, द रेडियो वॉज ब्लेयरिंग लाउडली एंड माई ग्रैंड फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, वो जो बहुत तेज तेज बज रहा था जो रेडियो था, एंड माई ग्रैंड फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, कि जो रेडियो था वो बहुत तेज बज रहा था और मेरे ग्रैंड फादर हैं वो बहुत ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, तो आप क्या कैसे लिखोगे इसको, द रेडियो वॉज ब्लेयरिंग लाउडली बिकॉज माई ग्रैंड फादर इज हार्ड बिकॉज माई ग्रैंड फादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, रेडियो तेज इसलिए बज रहा था क्योंकि मेरे जो ग्रैंड फादर है वो बहुत ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, उनको बहुत कम कम आवाज सुनाई देती है। आई वॉज फ्रीजिंग सिंस आई वॉर माई मफलर एंड ग्लोव्स, मैं ठंड से कांप रहा था इसलिए मैंने क्या करा, मफलर और ग्लोव्स पहन लिए। आई वॉज फ्रीजिंग सो आई वॉर माई मफलर एंड ग्लोव्स। आई डो नॉट लाइक हर सो शी स्प्रेड्स र्यूमर्स, कि मुझे मैं उसको पसंद नहीं करता इसलिए वो क्या करती है, अफवाहें फैलाती है। आई डो नॉट लाइक हर दैट्स वाई, या फिर आई डो नॉट लाइक हर एज एज ऑल्सो एज शी स्प्रेड्स र्यूमर, जैसे कि मैं इसको इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि वो क्या करती है, अफवाहें फैलाती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप एज यूज करोगे, तो इसमें आपने देखा कि बेटा सिंस फॉर, इसमें आपका सबका यूज देखा। ठीक है, यहाँ पे हम दो यूज करेंगे। ठीक है, दो आई हैव एक्सप्लेन, हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन करा लेकिन वो फिर भी नहीं समझ सका। नाउ सम कंजंक्शन आर यूज इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन पेयर में यूज होती हैं, जैसे कि बोथ और एंड, बोथ शुभम एंड हैड अ सैंडविच, इधर और, इधर टेक इट ली, इधर टेक इट और लीव इट, बोथ एंड, इधर और, नीदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो देयर आर द कंजंक्शन विच आर यूज इन पेयर, जो हमेशा पेयर में यूज होती है। इधर और मतलब या तो ये या फिर ये, नीदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो ये। ठीक है, तो मैंने, अगर आप पॉजिटिव सिचुएशन बोल रहे हो तो आप इधर और यूज करोगे, अगर आप नेगेटिव सिचुएशन ले रहे हो तो आप नीदर नॉर यूज करोगे, कि ना तो तुम्हें ये चाहिए ना ये चाहिए, या फिर या तो तुम्हें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। वेदर और, आई डोंट केयर वेदर यू गो, मुझे मुझे कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर रहते हो या नहीं रहते, वेदर यू स्टे और गो। नॉट ओनली, कि तुम ही पागल नहीं हो, तुम्हारा दोस्त भी पागल है। ओके, नॉट ओनली यू आर पुलिस बट ऑल्सो योर फ्रेंड, दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, हेयर दिस इज योर टूडेज होमवर्क, ये आपका आज का होमवर्क है, बाकी एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवा ही दी है सारी। अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस में आपको कंजंक्शन को अंडरलाइन करना है, दैट इज वेरी इजी वर्क फॉर यू टू डू, आप कर सकते हो। दिस इज योर टूडेज होमवर्क, नाउ लेट्स डिस्कस प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन, इट्स योर प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 93, अप टू जे पार्ट वी हैड डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास, ये मैंने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ एक बार दोबारा। डू नॉट गो डैश द रिवर, डू नॉट गो इन टू द रिवर, ओके मतलब कि, या फिर अक्रॉस द रिवर, मैंने आपको बोला था अक्रॉस भी आ सकता है यहाँ पे, ACROSS अक्रॉस द रिवर। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, जब छोटी डिस्टेंस हो, छोटा डिस्टेंस हो तो ओवर यूज करते हैं। ही सेट डैश अ चेयर, ही सेट ऑन अ चेयर, नियर अ चेयर, अंडर अ चेयर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट अंडर अ चेयर, अंडर अ चेयर नहीं आ सकता। ही सेट ऑन अ चेयर, नियर अ चेयर, बिहाइंड अ चेयर, बिसाइड अ चेयर। द कुली सॉ अ स्नेक नियर हिज फूट, अपने पैर के पास में उसने एक स्नेक स्नेक देखा, नियर। द स्काई इज डैश आर हेड्स, स्काई हमारे हेड के ऊपर होती है, बहुत ऊपर होती है, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम यूज करते हैं अबव। वी टुक शेल्टर डैश अ ट्री, हमने ट्री के नीचे शेल्टर लिया, मतलब छाया ली, मतलब शरण ली, तो दैट इज अंडर। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर फॉल्ट, तुम्हारे अपनी गलती के लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा। इट इज रेनिंग, डू नॉट गो विदाउट योर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के बिना बाहर मत जाओ। ठीक है, देर इज अ फेंस डैश द फील्ड, मतलब फील्ड के आसपास क्या है, फेंस है, तो देर इज अ फेंस अराउंड द फील्ड। टेक
टेक केयर डैश योर बुक्स, टेक केयर ऑफ योर बुक्स, अपनी अपनी बुक्स का ध्यान रखा करो. ऑफ, जब हम का की के यूज करते हैं तो वहां पे ऑफ यूज करते हैं. रामा हिट डैश द डोर, रामा क्या होगी, डोर के पीछे छिप गई. रामा हिट बिहाइंड द डोर, पीछे छुप गई. वी कट क्लोथ डैश सीजर, वी कट क्लोथ विद सीजर्स, ठीक है, या फिर हाँ विद ही आएगा इसमें, विद, हम कपड़ा सीजर के साथ में काटते हैं, सीजर से काटते हैं. संडे इज द फर्स्ट डैश ऑफ द वीक, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब संडे वीक का पहला दिन होता है, का, दैट इज ऑल्सो ऑफ. कोलकाता स्टैंड डैश द बैंक्स ऑफ द हुगली, कोलकाता क्या होता है, हुगली जो रिवर है उसके किनारे पर बसा हुआ है. तो दैट व्हाट विल वी राइट हेयर, अकॉर्डिंग टू मी कोलकाता स्टैंड डैश द बैंक्स ऑफ हुगली, हुगली रिवर के किनारों पर बसा हुआ है, पर, दैट इज ऑन. द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, जो रिवर है वो ब्रिज के नीचे से बहती है, दैट इज अंडर द ब्रिज, ठीक है. द कैमल कैन लिव डैश वाटर फॉर डेज, द कैमल कैन लिव विदाउट वाटर, मतलब काफी टाइम तक वो बिना पानी रह सकता है, बिना पानी पिए. कैंगरूज लिव डैश ऑस्ट्रेलिया, कैंगरूज कहाँ रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मीन्स इन. द ट्रेन इज ड्यू डैश सिक्स, द ट्रेन इज ड्यू एट सिक्स, मतलब कि वो ट्रेन वहां से 6 बजे निकलेगी. आई डोंट लाइक ट्रेवलिंग एट नाइट, मतलब मुझे रात में ट्रैवल करना पसंद नहीं है. इट इज वेरी काइंड डैश, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू. ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन ऑल्सो. ये टुडेज होमवर्क इज ओनली, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज नंबर 5 बेटा, दिस इज द टुडेज होमवर्क, दैट इज वेरी वेरी इजी, इन दिस यू हैव टू अनलाइन कंजंक्शंस ओनली. ओके, दिस इज टुडेज होमवर्क. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. नाउ टुमारो आई विल अपलोड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेक्चर.